आज हम आपको ये डिजाइन बनाना सिखाएंगे। आप इस डिजाइन को अपने स्वेटर, बच्चों के स्वेटर या अपने लिए ब्लाउज बुनना चाहे उसमें भी डाल सकते हैं। ये डिजाइन हमारी 6 फंदों से बनती है। 6 फंदों के हिसाब से आपको फंदे डालने हैं। 6-6 फंदों के हिसाब से आपको फंदे डालने हैं। एक फंदा आपको एक्स्ट्रा डालना है। आपको डिजाइन बताने के लिए इसमें हमने 25 फंदे डाले हैं। फिंदा डालने के बाद अभी हमारी पहली सिलाई और सीधी साइड। पहली सिलाई के सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। पहली सिलाई के सारे फंदे आपको सीधे बुनने हैं। दूसरी सिलाई और उल्टी साइड। दूसरी सिलाई पे आपको ध्यान देना है। पहला फिंदा आप उतार लीजिए। फिर देखिए हमें क्या करना है, सीधी सिलाई डालनी है। एक फंदे पे हमें 3 बार लपेटना है। 1, 2, 3। एक फंदा हो गया, फिर 1, 2, 3, 2 फंदे हो गए, 1, 2, 3, 3 फंदे हो गए, 1, 2, 3, ये 4 फंदे हो गए, ये लास्ट वाला 1, 2, 3, 5 फंदे हमें ऐसे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। फिर एक फंदा हमें सीधा बुनना है, फिर वही करना है, 3 बार लपेटना है, 1, 2, 3, एक फंदा हो गया, 1, 2, 3, ये 2 फंदे हो गए, फिर 1, 2, 3, ये 3 फंदे हो गए, 1, 2, 3, ये 2 बार नहीं 3 बार करना है, 1, 2, 3, ये हमारे 1, 2, 3, 4 4 फंदे हो गए, ये लास्ट वाला 1, 2, 3, ये हमारे 5 फंदे हो गए। फिर एक फंदा हमें सीधा बुनना है, फिर वही करना है, 3 बार लपेटना है, 1, 2, 3, या एक फंदा हो गया, 1, 2, 3, ये 2 फंदे हो गए, 1, 2, 3, ये 3 फंदे हो गए, 1, 2, 3, ये 4 फंदे हो गए, ये लास्ट वाला 1, 2, 3, ये 5 फंदे हो गए। फिर एक फंदा हमें सीधा बुनना है, ये देखिए, फिर वही करना है, 3 बार लपेटना है, 1, 2, 3, ये 1 फंदा हो गया, 1, 2, 3, ये 2 फंदे हो गए, 1, 2, 3, ये 3 फंदे हो गए, ये देखिए 3 फंदे, 1, 2, 3, ये 4 फंदे हो गए, 1, 2, 3, 4, 1, 5 फंदे। लास्ट वाला हमें उल्टा बुनना है, तीसरी सिलाई और सीधी साइड। तीसरी सिलाई पे भी आपको ध्यान देना है। पहला फंदा आप उतार लीजिए, फिर 5 फंदे खोलने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। धागा आगे रखना है, ऐसे धागा आगे रखते हुए ये 5 फंदों में सिलाई डालनी है, फिर ये सिलाई निकालनी है, धागा पीछे, फिर ये 5 फंदे ये वाली सिलाई पे रखने हैं, ये वाली सिलाई पे करने हैं, धागा आगे, फिर ये 5 फंदे ये वाली सिलाई पे रखने हैं, धागा पीछे, ये फंदे ये वाली सिलाई पे करने हैं, धागा आगे। 2 बार लपेटने के बाद फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, फिर वही करना है, 5 फंदे खोलने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। धागा आगे, फिर 5 फंदों में सिलाई डालनी है, ये 5 फंदे हमें ये वाली सिलाई पे करने हैं,
फिर धागा पीछे, फिर ये फंदे ये वाली सिलाई पे करने हैं, फिर धागा आगे, फिर ये फंदे पांच ये वाली सिलाई पे करने हैं, धागा पीछे, फिर ये वाले पांच फंदे ये वाली सिलाई पे करने हैं, धागा आगे। दो बार लपेटने के बाद फिर से एक फंदा में उल्टा बुनना है, धागा पीछे, फिर पांच फंदे खोलने हैं, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर धागा आगे, फिर पांच धागा आगे करके ही पांच फंदों में सिलाई डालनी है, फिर धागा पीछे, ये वाले पांच फंदे ये वाली सिलाई पे करने हैं, फिर धागा आगे, फिर ये पांच फंदे ये वाली सिलाई पे करने हैं, धागा पीछे, फिर ये पांच फंदे ये वाली सिलाई पे करने हैं, धागा आगे। दो बार लपेटने के बाद फिर से हमें एक फंदा उल्टा बुनना है, धागा पीछे, फिर पांच फंदे खोलने हैं, एक दो तीन चार और ये पांच, धागा आगे, फिर हमें पांच फंदों में सिलाई डालनी है, ये पांच फंदे ये वाली सिलाई पे करने हैं, फिर धागा पीछे, फिर पांच फंदे ये वाली सिलाई पे करने हैं, धागा आगे, फिर ये पांच फंदे ये वाली सिलाई पे करने हैं, धागा पीछे, फिर पांच फंदे ये वाली सिलाई पे करने हैं, धागा आगे। दो बार लपेटने के बाद लास्ट वाला फिंदा सीधा, सीधी सिलाई है तो लास्ट वाला फिंदा में सीधा बुनना है। चौथी सिलाई और उल्टी साइड, पहला फिंदा आप उतार लीजिए, चौथी सिलाई के सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं। ये लास्ट वाला उल्टा, उल्टी साइड है, लास्ट वाला फिंदा उल्टा। पांचवी सिलाई और सीधी साइड, पांचवी सिलाई में हम अपना सेकेंड कलर लगाएंगे, सेकेंड कलर से सारे फंदे सीधे बुनेंगे। सारे फंदे सीधे बुनने हैं, यहां तक आपको सारे फंदे सीधे बुनने हैं। छठी सिलाई और उल्टी साइड, पहला फिंदा आप उतार लीजिए, छठी सिलाई के सारे फंदे में उल्टे बुनने हैं। सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। सातवीं सिलाई और सीधी साइड, पहला फिंदा आप उतार लीजिए, सातवीं सिलाई के सारे फंदे में सीधे बुनने हैं। यहां तक आपको सारे फंदे सीधे बुनने हैं। आठवीं सिलाई और उल्टी साइड, पहला फिंदा आप उतार लीजिए, आठवीं सिलाई के सारे फंदे में उल्टे बुनने हैं। सारे फंदे आपको उल्टे बुनने हैं। नवी सिलाई और सीधी साइड, नवी सिलाई में पहला फिंदा आप उतार लीजिए, सारे फंदे सीधे बुनने हैं। यहां तक आपको सारे फंदे सीधे बुनने हैं। दसवीं सिलाई और उल्टी साइड, पहला फिंदा आप उतार लीजिए, दसवीं सिलाई के सारे फंदे में उल्टे बुनने हैं।
सारे फंदे आपको उल्टे बुनने हैं। 11वीं सिलाई और सीधी साइड। 11वीं सिलाई में हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे, सारे फंदे सीधे बुनेंगे। सारे फंदे आपको सीधे बुनने हैं। अब ये आई हमारी उल्टी साइड। उल्टी साइड में फिर से हमें यही डिजाइन दोहरानी है। पहला फंदा आप उतार लीजिए, फिर एक फंदे धागा पीछे ही रहे, एक फंदे पे तीन बार लपेटना है, एक दो तीन, फिर दूसरा फंदा, एक दो तीन, ये दो हो गए, फिर तीसरा फंदा, एक दो तीन, ये तीन हो गए, फिर चौथा फंदा, एक दो तीन, ये चार फंदे हो गए, एक दो तीन, ये हमारे पांच फंदे, एक एक दो तीन चार पांच। फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर यही करना है, पांच फंदे, एक फंदे पे तीन बार लपेटना है, पांच फंदे, फिर एक फंदा सीधा, फिर पांच फंदे, फिर एक फंदा सीधा, लास्ट का उल्टा। अब ये हमारी सीधी साइड। पहला फंदा हम उतार लेंगे, पांच फंदे खोलेंगे, पांच फंदे खोलेंगे, दो बार पांच फंदे को लपेटेंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर पांच फंदे खोलेंगे, उन्हें दो बार लपेटेंगे, फिर एक फंदा हम खोलेंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, उसके बाद हम पांच फंदे खोलेंगे, पांच फंदे को दो बार लपेटेंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर पांच फंदे खोलेंगे, उसे दो बार लपेटेंगे, लास्ट वाला सीधा। ऐसे ही डिजाइन जैसे हमने नीचे डिजाइन बनाई है वैसे ही हमें ऊपर बनानी है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल दबाएं ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियो मिलते रहे। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।